श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, सो गाइज वेलकम बैक टू माई अदर न्यू वीडियो। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ रामनवमी के लिए कुछ इसी टाइप का वीडियो एडिटिंग करने वाले हैं। सो गाइज अभी आपने जो प्रीवियस स्टेटस देखा, अगर आप लोग को स्टेटस पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक कर देगा और गाइज कमेंट में आप जैसे राम जरूर से लिख दीजिएगा। सो गाइज इस टाइप का वीडियो एडिटिंग करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली एक एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा जिसका नाम है एलाइट मोशन। एलाइट मोशन को आप प्ले स्टोर से इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं और गाइज मैंने टेलीग्राम पर भी उसका एक लिंक पिन कर दिया है, आप वहाँ से इजीली इंस्टॉल कर सकते हो। और गाइज मैंने इसमें जितने भी फोटोज़ या मटेरियल यूज़ किए हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको वीडियो बनाने में कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे डीएम कर सकते हैं और इंस्टाग्राम का आपको लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, मैं वहाँ पर सबके मैसेज को रीड करता हूँ। सो गाइज आपको क्या करना है, मेरे डिस्क्रिप्शन में एक सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट और एक सीके इफेक्ट करके लिंक दी गई है, आपको उसे लाइट मोशन में इंपोर्ट कर लेना है। सो गाइज लाइट मोशन में आपका बीट मार्क प्रोजेक्ट इंपोर्ट होने के बाद कुछ इस टाइप का वीडियो बीट मार्क आपका देखने को मिलेगा, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको दो फोटो है जो आपका साइज है 4x5 के रेशियो में होना चाहिए, ठीक है। सो गाइज आपको 4x5 का रेशियो में कैसे फोटो क्रॉप करना है मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। आपको सबसे पहले यहाँ से हो जाना है बैक प्लस वाला आइकन पर क्लिक करिएगा और यहाँ पे आपको 4x5 वाला जो रेशियो इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। देन यहाँ पे क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके मीडिया में चले जाएगा, ठीक है। और जिस भी फाइल में फोटो हो उस फाइल को आपको सिलेक्ट कर लेना है। सो गाइज मैं यहाँ पे एलाइट मोशन से ही क्रॉप कर रहा हूँ, आप चाहे तो अदर एप्लीकेशन को भी यूज कर सकते हैं। सो गाइज यहाँ पे फोटो को लेना है, देन यहाँ पे राइट साइड में 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पे कर देना है, ठीक है, जैसा कि मैंने अभी किया। देन आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे करंट फ्रेम इस PNG का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करके वीडियो को एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइज हमारा जो फोटो है 4x5 के रेशियो में देख सकते हैं क्रॉप हो चुका है। देन आपको यहाँ से हो जाना है बैक और इसे फिर से करना है डिलीट और आपको यहाँ पे दो फोटो को हमें इस साइज में करना था ना। तो गाइज मैं यहाँ पे आपको देख सकते हैं दो फोटो यहाँ पे इस साइज में कर लेता हूँ। देन आपको यहाँ पे क्लिक करके क्या करना है कि इसे भी करंट फ्रेम इस PNG पे इसे एक्सपोर्ट कर लेना है। सो गाइज यहाँ से इसको सेव करने के बाद आप इस प्रोजेक्ट को सिंपली आपको यहाँ से डिलीट कर देना है। देन हमारा जो सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट है उसे ओपन करना है। आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे तो आपको यहाँ पे एक इमेज करके लेयर देखने को मिल जाता है, आपको इस लेयर पे सिंपली टैप करना है, करंट फिल ऑप्शन में जाके स्टार वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। देन गाइज मैंने यहाँ पे अभी जिस भी फाइल्स में आपको क्रॉप किया था उस फाइल को आपको सिलेक्ट करना है। देन आपको यहाँ पे क्या करना है कि इस फोटो को यहाँ पे आपको सिंपली ऐड कर देना है, ठीक है। आपको मैंने यहाँ पे देख सकते हैं एक फोटो को मैंने यहाँ पे ऐड किया, देन आपको नेक्स्ट वाला जो लेयर है उस पर आपको सेकंड वाला फोटो को भी यहाँ पे ऐड कर देना है। सो गाइज मैं यहाँ पे दोनों फोटो को आपके सामने देख सकते हैं ऐड कर दिया। देन गाइज आपको क्या करना है कि जो हमारा नेक्स्ट बिट आ रहा है, ठीक है गाइज, यहाँ से आपको क्या करना है कि फोटो को ऐड करना है। सो गाइज फोटो को ऐड करने के लिए सिंपली अपने मीडिया में जाइएगा और यहाँ से अपने फाइल को सिलेक्ट कर लीजिएगा। देन मैं यहाँ से अपने फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और आपको क्या करना है कि यहाँ से फोटो पर टैप करना है और यहाँ पे राइट साइड में 3 डॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया पे कर देना है, ठीक है। सो गाइज यहाँ पे दोनों लेयर्स पे आपको फोटो को ऐड करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे हमारा एक वीडियो क्लिप है, ठीक है। तो उस वीडियो क्लिप को गाइज मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और या फिर टेलीग्राम चैनल पे भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो उस वीडियो क्लिप को आपको सिंपली ऐड करना है गाइज, उसके लिए आपको मीडिया में जाना है और आपको जिस भी फाइल में वीडियो क्लिप हो तो उस फाइल को आपको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। सो गाइज वो वीडियो क्लिप आपको यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है, ये वाला वीडियो क्लिप है। तो गाइज इस वीडियो क्लिप को मैं यहाँ पे यूज करूँगा, आप चाहे तो आप ऐड कर लेना, ठीक है। आपको जहाँ भी जिस भी फाइल में हो उस फाइल से आपको इस वीडियो क्लिप को ऐड कर देना है। देन गाइज हमारा जो आगे आपको ग्रुप देखने को मिलेगा गाइज, यहाँ पे आपको 9x60 के रेशियो में फोटो को क्रॉप करना होगा। सो गाइज चलिए यहाँ से हम लोग सिंपली हो जाते हैं बैक और प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके 9x60 का जो रेशियो है इस पर क्लिक करके क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक कर देते हैं। देन गाइज यहाँ से हमें क्या करना है कि एक फोटो को 9x60 के रेशियो में क्रॉप करना है। सो गाइज मैं फिर से अपने फाइल में आ जाता हूँ, देन मैं यहाँ से एक फोटो को ले लेता हूँ और यहाँ पे इसे मैं 9x60 के रेशियो में क्रॉप कर लेता हूँ, ठीक है। देन यहाँ से फिल कंपोजिशन एरिया पे करने के बाद मैं करंट फ्रेम इस PNG पे क्लिक करके इसे भी एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। देन गाइज ये भी हमारा फोटो है जो 9x60 के रेशियो में क्रॉप हो चुका है और यहाँ पे इसे सेव करने के बाद आपको सिंपली इस प्रोजेक्ट को भी कर देना है डिलीट और हमारा जो सॉन्ग बीट मार्क प्रोजेक्ट है उसे ओपन कीजिएगा। और गाइज हमारा जो वीडियो क्लिप खत्म होने के बाद हमारा जो ये ग्रुप था, आपको सिंपली इस ग्रुप पे टैप करना है, एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है और हमारा जो नीचे वाला लेयर है उस लेयर पे क्लिक करना है, कलर एंड फिल ऑप्शन में जाना है और गाइज स्टार वाला ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ से अपने जिस भी फाइल में क्रॉप किया हो उस फाइल में से उस फोटो को आपको यहाँ से प्लस पे क्लिक कर देना है, आपका वो फोटो यहाँ पे सेव हो जाएगा, ठीक है।
आप देख सकते हैं गाइज हमारा वीडियो क्लिप के बाद वो जो फोटो था कितने अच्छे से यहाँ पे सेव हो चुका है, ठीक है। तो भाई यहाँ पे सेव करने के बाद सिंपली प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है नेक्स्ट पे आके, और मीडिया पे जाके आपको क्या करना है कि अपने फाइल को सिलेक्ट कर लेना है जिस भी फाइल में फोटो हो, और आपको यहाँ से सिंपली फोटो पे टैप करना है। राइट साइड में थ्री डॉट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है, फिल कंपोजिशन एरिया पे करना है, देन नेक्स्ट वीट पैकेज का एक्स्ट्रा पार्ट को कट कर देना है। सो गाइस इसी तरह से आपको क्या करना है कि लास्ट तक फोटो को ऐड करना है। तो चलिए गाइस हम लोग फोटो को ऐड करते हैं और थोड़ा सा वीडियो कर देते हैं स्किप। सो गाइस लास्ट तक जब फोटो आप ऐड करोगे तो आपको यहाँ पे एक ग्रुप देखने को मिला होगा, ठीक है। तो गाइस इस ग्रुप पे आपको फोटो ऐड करने के लिए इस फोटो का साइज आपका 1x1 के रेशियो में होना चाहिए। सो गाइस उसके लिए आपको सिंपली यहाँ से हो जाना है बैक और प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके 1x1 का रेशियो क्लिक कीजिएगा। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि फोटो को 1x1 के रेशियो में कर लेना है, ठीक है। सो गाइस आप कोई भी फोटो को 1x1 के रेशियो में कर सकते हो। गाइस मैं यहाँ पे इस फोटो को मतलब ले लेता हूँ, एक फोटो यहाँ पे गाइस मैं इस फोटो को यहाँ पे ले लेता हूँ। देन इसे यहाँ पे फिल कंपोजिशन एरिया पे आपको कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको क्लिक करके करंट फ्रेम इस पीएनजी पे करके इसे सेव कर लेना है, ठीक है। सो गाइस मैं यहाँ पे इस फोटो को सेव कर लेता हूँ, और देन आपको इस यहाँ से क्या करना है कि इस प्रोजेक्ट को कर देना है डिलीट। और डिलीट करने के बाद गाइस आपको सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट को फिर से ओपन करना है, और गाइस हमारा जो वाला ग्रुप था आपको उस ग्रुप के पास आना है, ठीक है। तो गाइस चलिए मैं उस ग्रुप के पास चाहता हूँ, और गाइस वहाँ पे आपको आ जाने के बाद आपको क्या करना है कि स्क्रॉल करके नीचे की ओर स्वाइप करना है, ठीक है। देन आप स्क्रॉल करके जब नीचे की ओर स्वाइप करोगे तो आपको यहाँ पे एक ग्रुप देखने को मिलेगा। सो गाइस इस ग्रुप पे आपको सिंपली टैप करना है, एडिट ग्रुप पे क्लिक करना है, और गाइस आपको यहाँ पे इमेज करके एक ऊपर में ग्रीन कलर का लेयर देखने को मिल जाता है। सो गाइस इस पे करंट फिल का ऑप्शन में जाना है, और इस पे अपना जो अभी आपने इमेज 1x1 के रेशियो में क्लिक किया था उसे आपको सिंपली यहाँ पे ऐड कर देना है। तो गाइस यहाँ पे आप सिंपली जब ऐड करोगे तो आप देख सकते हैं आपका इमेज कितने अच्छे से यहाँ पे ऐड हो जाएगा। सो गाइस यहाँ से हमारा जो प्रोजेक्ट है फोटो तो यहाँ पे ऐड हो गया। तो चलिए गाइस यहाँ से हम लोग इफेक्ट को भी करते हैं ऐड। तो गाइस इफेक्ट को ऐड करने के लिए आपको सिंपली सेकंड इफेक्ट में आ जाए, और जो हमारा फर्स्ट वाला इफेक्ट है आपको सिंपली इसे इफेक्ट में जाकर थ्री डॉट पे क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है, ठीक है। सो गाइस कॉपी इफेक्ट करने के बाद आपको सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट में फिर से आना है। सो गाइस सॉन्ग बिटमार्क प्रोजेक्ट में आने के बाद आपको हमारा जो वीडियो क्लिप ऐड है उस वीडियो क्लिप के आपको आगे वाला जो हमारे यहाँ पे ग्रुप आपको यहाँ पे ऐड किए हैं उसके आगे गाइस यहाँ पे जितने भी फोटोज़ हैं उन सारे फोटोज़ पे आपको इस इफेक्ट को अप्लाई कर देना है। सो गाइस फर्स्ट टाइम जब फोटो पे इफेक्ट को अप्लाई करोगे तो आपको फर्स्ट टाइम इलेक्ट्रिक एरिया आपको लास्ट में देखने को मिल जाता है इसको ऑफ कर देना है। देन गाइस नेक्स्ट बिट पे इसे ऑन ही रखना है, ठीक है। तो गाइस मतलब इसी तरह से आपको करना है कि एक फोटो पे आपको इलेक्ट्रिक की टच को यहाँ पे नीचे जाके ऑफ कर देना है। देन गाइस नेक्स्ट फोटो पे आपको इसे ऑन रख देना है, ठीक है। सो गाइस चलिए इसी तरह हम लोग मतलब लास्ट तक ऐड करते हैं। तो गाइस आपको ये वाला इफेक्ट जो है आपको ये वाला ग्रुप से पहले जितने भी फोटोज देखने को मिल जाएंगे उन सारे फोटोज पे आपको ये वाला इफेक्ट को ऐड करना है। सो गाइस चलिए हम लोग इफेक्ट्स को ऐड करते हैं और थोड़ा सा वीडियो कर देते हैं स्किप।